एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पीजीआई रोहतक बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है या फिर ऑफलाइन होने वाली, उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा था। बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर काउंसलिंग ऑनलाइन रहती है तो प्रोसेस अलग रहता है, अगर काउंसलिंग ऑफलाइन रहती है तो प्रोसेस अलग रहता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हमें देखने के लिए मिल रही थी। ऑनलाइन रहती है तो गाइडलाइंस अलग रहती हैं, ऑफलाइन रहती है तो गाइडलाइंस अलग रहती है। बट स्टूडेंट्स, अभी 100% ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन आ चुकी है काउंसलिंग जो रहने वाली है वो कैसे होने वाली है। उसके साथ साथ काउंसलिंग फीस से रिलेटेड, बैंक टैक्स से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है शेयर की गई। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल गाइडलाइंस भी दिखाने वाली हूँ, सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। तो काउंसलिंग जो रहेगी 2021 से 2022 वाले सेशन की ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, आप लोगों को घर बैठे चॉइस फिलिंग करना होगा। काउंसलिंग का एक फॉर्म होगा, वो आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा एंड उस फॉर्म के बेसिस पर ही एडमिशन आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस अपना होने वाला, इस बार काउंसलिंग जो रहेगी वो यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाली है। सबसे पहले आप लोग ये ऑफिशियल जो है गाइडलाइंस देख सकते हैं। एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीपीटी एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर 2021 से 2022 विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी। सीईटी के थ्रू होने वाला है, थ्रू द ऑनलाइन काउंसलिंग। आप लोग देख सकते हैं साफ यहाँ पर लिख रखा है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी बाय पीजीआईएमएस रोहतक, पीजीआई करवाने वाला है एंड ऑनलाइन काउंसलिंग जो है करवाई जाएगी। उसके साथ साथ काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा गाइडलाइंस भी दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कि इन्होंने बोला है काउंसलिंग की फीस बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं होगी। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रख लेना है, इन्होंने बोला है। तो रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस इज नॉन रिफंडेबल। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस? इट इज़ द फीस आप लोगों ने जो अप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे फिल दी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल के लिए 2400 फीस रहेगी एंड अदर कैटेगरी के लिए कुछ 600 फीस थी, ठीक है। तो वो जो फीस थी वो रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस थी, मतलब रजिस्ट्रेशन की भी काउंसलिंग की भी फीस वही थी, काउंसलिंग की फीस अलग से नहीं लगेगी। बट आप लोगों ने जो वो फीस दी थी वो रजिस्ट्रेशन की भी थी, काउंसलिंग की भी थी। वो फीस जो रहेगी वो दोबारा से आप लोगों को वापस भी नहीं मिलेगी। इन्होंने ये चीज़ को बोल दिया है क्लियरली, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने बोला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस शैल बी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट थ्रू द नेट बैंकिंग ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट एंड एडिशनल बैंक चार्जेस टैक्स इफ शैल बी अप्लीकेबल बाय द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि जो भी आप लोगों के फीस पर टैक्स वगैरह लगेंगे या फिर एडिशनल जो भी चार्जेस लगेंगे वो कैंडिडेट के ही होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी का उसमें कोई भी रोल नहीं है। उसके साथ साथ इन्होंने बोला है ऑल द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट विल रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेजेस विद इन यहाँ पर जो ये बोल रखा है, जैसे आप लोगों की काउंसलिंग रहेगी, जो आप लोगों को लाइक कॉलेज अलॉट होगा टाइम ड्यूरेशन के अंडर आप सभी लोगों को उस कॉलेज में जाना होगा। रिपोर्ट गाइडलाइंस बता रखी कि जैसे कि फीस दोबारा से अब वापस आप लोगों को नहीं दी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट लाइक लीगल एक्शन लेना चाहता है तो वो उससे रिलेटेड भी इन्होंने पहले ही लाइक आप लोगों से जो है कंसर्न ले लिया, ये चीज़ें होने वाली हैं तो आप लोग इससे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दो कि ये चीज फाइनली क्लियर हो चुकी है कि काउंसलिंग आप लोगों की ऑनलाइन रहने वाली है या फिर काउंसलिंग आप लोगों की ऑफलाइन रहने वाली है। अभी फाइनली आप लोगों को जो है कहीं पे भी नहीं जाना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों की काउंसलिंग ऑनलाइन रहेगी, आप लोगों को फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना होगा एंड मैं आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड फॉर्म फिल करके भी दिखा दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।